बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्रीवियस वीडियो में हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था। पोटेंशियल आज उसकी कुछ टाइप को डिस्कस करेंगे। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स दी हुई है बुक में, बुक के पेज नंबर 4 पर। नंबर 1 है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, जो आज का हमारा टॉपिक है। सेकेंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। अब हम बात कर लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन। जैसे जैसे हम पोजीशन चेंज करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी में भी क्या होता है, चेंज आता रहता है। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सेम है, बट जो पोजीशन हम चेंज कर रहे हैं वो ग्रेविटेशनल फील्ड में हो। चलें जी, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजिशन अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होगी ड्यू टू इट्स पोजीशन अबव द ग्राउंड, ज़मीन के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट हैं इनके पास जो भी एनर्जी होगी वो कौन सी एनर्जी होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो अबव द सरफेस ऑफ अर्थ होगा उसके ऊपर जो उसके अंदर जो भी एनर्जी होगी वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। फॉर एग्जाम्पल कि आप एक प्लेट को वॉश कर रहे हैं और वो प्लेट जो है वो वॉश करते करते गिर जाती है, तो उसके अंदर जो एनर्जी थी वो कौन सी एनर्जी थी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी। या अगर आप एक बॉल को जो है वो एयर में थ्रो करते हैं, इट ऑलवेज कम्स बैक डाउन, वो हमेशा डाउनवर्ड आएगी, बिकॉज इस पर क्या लग रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस पर असर कर रही है। अब ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है? इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी को हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। ये सबसे पहले हमारे पास सर आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर की। सर आइजैक न्यूटन ने क्या कहा कि ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है? कि इन दिस यूनिवर्स अर्थ अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स विच इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स इट्स सेंटर एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटी। न्यूटन ने कहा कि इस यूनिवर्स में अर्थ जो है वो हर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, अपने सेंटर की तरफ, और ये जो फोर्स है, ये जिस फोर्स से अपने इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहलाती है। आपकी बुक में इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी का एक और भी नेम दिया हुआ है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो इस जो अर्थ पर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो कितनी है? 9.8 न्यूटन पर केजी। इसको राउंड ऑफ करके अगर लिखें तो ये 10 न्यूटन पर केजी है। अब न्यूटन पर केजी का मतलब क्या है? ये इसका यूनिट है। मतलब अगर 1 केजी का एक ऑब्जेक्ट है तो अर्थ उसको 10 न्यूटन की फोर्स से पुल करेगा अपनी तरफ। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या अर्थ ही हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है? नहीं, बल्कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को भी अपनी तरफ क्या करता है? पुल करता है। बट अर्थ का साइज क्या है? बड़ा है। तो जिसका साइज बड़ा है उसका मैस भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इस वजह से इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या होगी, मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो भी क्या होगी? वो ज़्यादा होगी। मतलब इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, बट ड्यू टू स्मॉल साइज इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? कम है। तो इसको हम क्या करते हैं? नोटिस नहीं करते। इससे हमारे पास एक लॉ भी सामने आता है जो कहलाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके जी, तो जी की जो वैल्यू है वो अर्थ की सरफेस पर 9.8 न्यूटन पर केजी होती है। केजी मैस का यूनिट है। मैस हम पढ़ेंगे क्या होता है। मतलब जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से अबव जाते जाएंगे जी की वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी और नेगेटिव में हो जाएगी। मतलब जी की वैल्यू कॉन्स्टेंट नहीं होती है, चेंज होती रहती है। चले पहले हम मैस की बात कर लेते हैं। मैस क्या होता है? एक होता है मैस और एक होता है वेट। पहले मैस देख लेते हैं। मैस क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। किसी भी बॉडी के अंदर कितने अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है। क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड मैस। मतलब किसी भी बॉडी के अंदर कितने अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है, ये क्या कहलाएगा? मैस कहलाएगा। अगर हम वेट की बात करें तो सपोज करें मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, जैसे ही मैं इसको ड्रॉप करूंगी तो ये कहाँ मूव करेगा? डाउनवर्ड मूव करेगा ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो इसका मतलब क्या है कि इस ऑब्जेक्ट का क्या था? मैस था। दूसरा इस पर फोर्स भी लग रही थी, तो मैस प्लस फोर्स ऑफ ग्रेविटी मेरे पास क्या कहलाएगा? वेट कहलाएगा। ठीक है, तो जो वेट है वो क्या है? ये एक ऐसी फोर्स है जो हर ऑब्जेक्ट को अर्थ की तरफ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है, अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। अच्छा, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मैस और वेट कैलकुलेट करना चाहें तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मैस ज़्यादा होगा या वेट ज़्यादा होगा? तो उसका वेट जो है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि मैस जो है वो क्या है? वो क्वांटिटी ऑफ मैटर है, और जो वेट है वो क्या है? मैस और ग्रेविटी दोनों हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक में एग्जाम्पल दी हुई है, पेज नंबर 4 पर दी हुई है। तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है,
उस ऑब्जेक्ट का वेट का पहले फार्मूला देख लेते हैं कि वेट को हम शो करते हैं W से, और ये होता है मेरे पास मैस मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। ठीक है जी। अच्छा, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का मैस क्या है, 50 kg है। kg हमारे पास यूनिट होता है मैस का, किलोग्राम, इसे हम किलोग्राम भी कहते हैं। सैंबल इसका है kg। वेट का, क्योंकि वेट एक फोर्स है, तो इसका यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तो इस वेट का भी यूनिट क्या होगा, न्यूटन है। मतलब एक तरह की ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। अच्छा, m इंटू जी, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस है 50 kg। इस पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो कितनी इफेक्ट करेगी, वो हमारे पास होगी 10 N/kg। हम पढ़ चुके हैं N/kg। ठीक है जी। 10, अगर इसको मैं लिखूं तो ये हो जाएगा 10 N, ये डिवाइड में था, यहाँ पे पॉजिटिव है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम इनवर्स मल्टीप्लाई बाय 50। जब मैं इस 50 को इससे 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 500। इस किलोग्राम से, ये पॉजिटिव किलोग्राम इस नेगेटिव किलोग्राम से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मेरे पास रह जाएगा, न्यूटन। तो वेट का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट का मैस और वेट को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपके पास वेट जो है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि वेट जो है वो मैस और ग्रेविटी दोनों हैं, और जो मैस है वो सिर्फ क्या है, वो क्वांटिटी ऑफ मैटर है। तो आपके पास जो मैस था वो क्या था, 50 kg था, वेट आपके पास क्या हुआ, 500 N आया है। ओके जी, अब हम बुक की एग्जांपल देख लेते हैं, बुक के पेज नंबर 5 पे। अच्छा, ये मेरे पास है एक बाउल्डर है जिसमें हैज़ मोर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, स्मॉल स्टोन से इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, बिकॉज इसके जो मैस है वो क्या है, ग्रेटर है। जिसका मैस ग्रेटर है उसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़्यादा है, उस पर जो ग्रेविटी होगी वो क्या होगी, वो ज़्यादा लग रही होगी। दिस स्क्वायर हैज़ मोर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप ऑफ द स्लोप देन हाफ वे डाउन बिकॉज ही इज़ हायर अप। जब ये स्लोप के टॉप पे होगा तो इस बॉय की ग्रेविटेशनल या स्क्वायर की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि जैसे जैसे हम अबव द सर्फेस जाते जाएंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो ज़्यादा होती रहेगी। जैसे जैसे डाउनवर्ड आएंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो कम हो जाएगी। थैंक यू।